शायद आपको पता होगा कि आपका पटना स्मार्ट पटना है, लेकिन राजधानी पटना में जब बारिश होती है और जो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं वो तस्वीर देखकर चौंकिएगा मत, क्योंकि ये तस्वीर अमूमन हर बरसात के पहले जब बारिश होती है तो यही नज़ारा होता है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार दावा करती है और नगर निगम के तरफ से जो वाटर लॉगिंग की समस्या हमेशा देखा जाता है और बरसात के पहले ये वादा किया जाता है कि नगर निगम के द्वारा ये तमाम व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है, नाले की सफाई की जाती है, साफ सुथरा कर लिया जाए ताकि पटना बरसात में ना डूबे, इसको लेकर के जो कवायद होती है वो शुरू कर दिया जाता है। ये पटना का भट्टाचार्य रोड है और यहाँ पे हालात आपको दिखाते हैं किस तरह की हालात बनी है, किस तरह की स्थिति बनी है। एक तरफ लोग कोरोना के संक्रमण से परेशान हैं, लोग अस्पताल जा रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इससे संक्रमित हो जा रहे हैं, लेकिन पटना का भट्टाचार्य रोड की स्थिति देखिए। कल रात भर बारिश हुई है क्योंकि यास चक्रवर्ती तूफान का अलर्ट बिहार में भी किया गया था, लेकिन एक दिन की बारिश में सरकार की पूरी पोल खुल चुकी है। देखिए किस तरह से जो है परेशानियां हो रही है, जो लोग बगल से गुजर रहे हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए कई गटर्स हैं जो खुले हुए हैं और जब लोग आते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ के गटर्स खुले हैं, कहाँ के नाले खुले हैं, और उसी का आलम ये होता है कि लोगों की गाड़ियाँ यहाँ इस दुकान में फंस जाती हैं। तो इस तरह की जो तमाम, देखिए किस तरह से, देखिए ये रास्ता जो है यहाँ पर जो जितने नाले हैं वो खोल दिया गया था क्योंकि सबकी सफाई चल रही थी। ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो है एक एक गाड़ियां जो हैं फंसती जा रही हैं क्योंकि किसी को पता नहीं कि यहां पर जो नाले हैं वो खुले हैं, जिसके कारण जो स्कूटी है, जो छोटे चक्के वाली गाड़ियां होती है वो फंस जाती। देखिए एक शख्स है जिनका गाड़ी अभी फंस गया और ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं था क्योंकि बारिश हुई है और आलम ये है कि इनकी गाड़ी जो है पूरी तरह से फंस गई है। अगल बगल के लोग हैं जो बताते हैं कि किनारे होके जाइए तब आप आराम से निकल जाएंगे। तो स्थितियां और हालात इसलिए हैं, और शुरू में जब हम आपसे जुड़े हम आपको यही बता रहे थे कि चौंकिएगा मत, क्योंकि ये स्थितियां हर वक्त यही होती हैं। जब पटना में बारिश होता है और स्थिति ये होती है तो ये जो है एक कॉमन सी तस्वीर है, सामान्य सी तस्वीर है, क्योंकि हमेशा पटना में बारिश के पहले प्री मानसून का जब रहता है कि पटना में प्री मानसून के पहले या फिर यास चक्रवर्ती तूफान का अलर्ट किया गया, एक दिन की बारिश हुई और पटना के तमाम पौश इलाके वाले सड़क जो हैं वो डूब गए। एक तरफ नाले की सफाई हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जब पानी बरसात हुई तो पटना के नगर निगम की जो पोल है वो खुल गई है। और भी तमाम तस्वीरों और तमाम जगहों के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे आपके साथ और दिखाएंगे एक दिन की बारिश ने सरकार की किस तरह से पोल खोल के रख दी है। बने रहें आप फर्स्ट बिहार के साथ।